वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। इमेज आप देख सकती हैं, ये है पुलिस थाना नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, राइट। तो देखिए इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं उनके द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला में 9 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के लिए प्राप्त किए गए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया है। तो आप ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान मिला है और ये आपका हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों स्थगित किया है। तो आपको पता ही होगा कि कोविड-19 की सिचुएशन के थ्रू ये स्थगित किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट अभी आयोजित नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो स्थगित किया गया है वो जून 2021 के लिए स्थगित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC द्वारा इस क्षेत्र में कोविड-19 मामलों में उतार चढ़ाव के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया है। और ये आयोजित कब होने वाला था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सितंबर 2020 यानी कि सितंबर 2020 में इसका आयोजन किया जाना था। तो पाकिस्तान को इस बार मूल रूप से एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी करनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। यानी कि ओवरऑल ये श्रीलंका में आयोजित होना था सितंबर 2020 में, लेकिन अब इसे अगले वर्ष के लिए टाल दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक कब आयोजित की जाएगी? तो भारत और यूरोपीय संघ की जो 15वीं बैठक है वो 15 जुलाई 2020 को आयोजित होगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। शिखर सम्मेलन की जो सह अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन लियोन करेंगे। 14वें यानी कि पिछले वाले जो भारत यूरोपीय संघ की शिखर सम्मेलन की बात करें तो वो 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार ये आपका वर्चुअल होगा यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 34वां, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत के रियल एस्टेट उद्योग ने जॉन्स लैंग लॉरेंस JLL को द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सबसे बड़े सुधारों के रूप में 34वां स्थान दर्ज किया है। कुछ एशियाई देशों की अगर हम स्थिति की बात करें तो इसमें चीन को 32वां स्थान मिला है, थाईलैंड को 33वां स्थान मिला है, भारत को मैंने आपको बता दिया है कि 34वां स्थान मिला है, इंडोनेशिया को 40वां, फिलीपींस को 44वां और वियतनाम को 56वां स्थान मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिया को एक यथोचित स्थान, संतोषजनक स्थान मिला हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी है? देखिए बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं तो इनको आप कवर अप करते चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये जो बुक लिखी है वो AK श्री कुमार ने लिखी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो 1962 यानी कि 1962 की लड़ाई में नूरनांग की भारत चीन लड़ाई की कहानी बताने वाले एक उपन्यास को पुस्तक विजेता और पुरस्कार विजेता AK श्री कुमार ने लिखा है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक वाली जो किताब है वो एक गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस
और निस्वार्थ प्रेम की एक देशभक्ति की कहानी है। पुस्तक का प्रकाशन एक उच्च प्रख्यात भारतीय प्रकाशन गृह रूपा प्रकाशन द्वारा किया जा रहा है। तो पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि महावीर 1962 और भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक है, जो कि जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस पर आधारित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार कर्ज के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़, तो इतनी जो राशि है ये तमिलनाडु को प्रदान की गई है, जिसके साथ ये देश में बाजार कर्ज के मामलों में सबसे ऊपर हो गया है। ठीक है, और ये RBI के द्वारा दिए गए जो बॉन्ड हैं उनमें 17% का हिस्सा है इसका। इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़, राजस्थान 17,000 करोड़, इस तरह की राशियां प्रदान की गई हैं। और RBI द्वारा की गई नीलामी ने तमिलनाडु ने 35 साल की बॉन्ड के लिए 6.63% की कम ब्याज पर ये राशि प्रदान की है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गूगल कंपनी ने गूगल प्लस, जो आपको पता होगा कि पहले गूगल प्लस था, उसको किस नाम से दोबारा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल करेंट, ऑप्शन ए सही होगा। यानी गूगल प्लस को फिर से लॉन्च किया गया है गूगल करेंट नाम से। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये यूजर्स को संगठन के एक अन्य विभाग में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने के लिए भी मददगार होगा। ठीक है, तो गूगल कंपनी द्वारा प्लेटफॉर्म के कम उपयोग सहित कंपनी द्वारा खोजे गए कुछ सुरक्षा बग के कारण गूगल प्लस को शट डाउन करने की प्रक्रिया का ऐलान अप्रैल 2019 में किया गया था, लेकिन अब इसे पुनः लॉन्च किया गया है जो कि गूगल करेंट्स नाम से होगा। गूगल कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो है सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं और इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की CMD राजकिरण राय का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्र प्रदेश बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनज़र 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है, लेकिन अब 2 वर्ष के लिए बढ़ाया है और वो 31 मई 2022 तक सेवाएँ देंगे और उनको 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक की 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 2017 में। तो उनका कार्यकाल विलय की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से करने के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनियन बैंक में 2 बैंक आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया जा रहा है। तो वो जो विलय किया जा रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के उद्देश्य से उनका ये कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये जो विलय हो जाएगा इसके बाद बैंक भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है IOC की बिल्डिंग को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने घोषणा किया है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम LEED प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ओलंपिक हाउस किसी भी LEED V4 सर्टिफाइड नई निर्माण परियोजना के लिए अब तक के सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी है। IOC कार्यालय को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इस ओलंपिक हाउस का उद्घाटन पिछले साल 23 जून को हुआ था, जो कि स्थिरता के लिए IOC की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है और उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य और भलाई के लिए एवं ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण के अनुकूल ये बिल्डिंग बनाई गई है। इसकी वजह से ओलंपिक समिति के इस मुख्यालय
ये जो ग्रीन बिल्डिंग है उसको ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर स्क्रीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। और इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में 30 देशों की 5,000 वैश्विक प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेंगे और 75 सत्रों में 250 प्रवक्ताओं के द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की करंट अफेयर की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति को वर्ष 2036 तक पद संभालने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। और कल की जो जीएस क्विज थी जिसमें पूछा गया था नगट्टोलम किस देश की मुद्रा का नाम है, तो वो अपने पड़ोसी देश भूटान की जो मुद्रा है उसका नाम है नगट्टोलम। आपको पता होगा कि भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, झंझावतों का देश भी बोलते हैं। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की क्विज की। तो आज आपसे पूछा गया हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर आप लगा सकते हैं। और दूसरी क्विज जीएस की आज की है, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरत, लंदन, डरबन, दुबई। इसके बारे में एक हिंट मैं आपको बता दूं कि ये एक भारत के बहुत ही महान व्यक्तित्व से संबंधित फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए। तो अगर आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसका दूसरा तरीका है, आप टेलीग्राम ऐप पर द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।